आर्क में ना बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जो फिलहाल जो गेम के अंदर न्यू है, लाइक वो बिगिनर्स है और वो गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं। इस मूवमेंट पे वो लोग जब वो न्यू रहते हैं गेम को बहुत आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी उनकी खुशी का कारण उनको नज़र लगने के लिए दुख आ जाता है जो कि होता है हमारा चिटिन कराटिन। सो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद ये स्टार्टिंग ये सब जो इसका इरा पेट्रोडॉन से स्टार्ट होता है लाइक टेराडॉन। सो मैं तुम लोगों को पहले दिखाई देता हूँ। सो बहुत बार क्या होता है अगर मैं यहाँ पे तुम लोग पहले सैडल दिखा देता, ठीक है, पेट्रोडॉन के सैडल से आई थिंक इसकी शुरुआत होती है जहाँ पे अगर आप इसे बनाने जाओगे तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी 75 चिटिन्स या कराटिन्स। तो दोनों भी एक ही होते हैं, आधे आधे कुछ भी हो चलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम्हें अर्जेंटा इसके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये अर्जेंटा इसका सैडल है। अब यहाँ पे इसको भी जो है 150 लग जाते हैं और इसको 75 और बाकी रुको एक सेकंड, और सैडल से मेरे पास है नहीं बट रुको एक काम करने दो और मैं तुम लोग को डिफॉल्ट दिखाता। डिफॉल्ट दूसरे सैडल्स का आई डोंट थिंक पेट्रोडॉन से, ये देखो जैसे कि ये अब फियोमिया का नहीं लगता और वही पेट्रोडॉन से आई थिंक स्टार्ट होता है। रुको इनको भी देख लेते एक बार, एक सेकेंड रुको। ओके सो यहाँ पे देखो इन लोग का भी मतलब इनको भी सैडल बनाने के लिए कुछ नहीं लगता, नॉर्मल इस पे बन जाते बट जब आप पेट्रोडॉन का सैडल बनाते हो तो ऐसा में आपको चिटिन कराटिन की जरूरत पड़ती है और वहीं पे न्यू प्लेयर सोचने लगते हैं कि अब मैं इसे लाऊं कहाँ से, ये कैसे मिलेगा, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो बहुत ही लेस फार्म कर पाते हो। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे इसके मास फार्मिंग कर सकते हो। इसके लिए ऑफकोर्स आपको इस डायरूल्स की जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, मैं उसके भी बिना आपको 500-600 एक ही मिनट में आप फार्म कर लोगे ऐसा बताऊंगा मैं। बट आप देखो जिन्हें नहीं पता कि छोटी अमाउंट में आपको चाहिए तो आप इनको मार के ऐसे आराम से ले सकते हो। ये ट्राइक्स है, इन्हें ट्राइक स्ट्रॉपर जो भी बोलते हो और या फिर कार्बोनेमस, और एक सैनिक मार के तो पीछे पड़ने लग जाते पता है। रुको ये लोग का धक्का दिया, एक सैनिक को पूरे नहीं मारने, मैं तुम लोग को डायरवुल्फ से भी करके दिखा देता हूँ। देखो डायरवुल्फ चिटिन और कराटिन बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं, कराटिन इतने ज़्यादा नहीं करते एक्चुअली, मतलब इनसे करेंगे बट ज़्यादा नहीं करते, पता नहीं ये मुझे भी सही से नहीं पता, ट्राइक शायद लायक ही नहीं होते उतने। बाकी फिलहाल मेरे पास 5 अब देखो, इससे मेरे को 4 मिल गया। सो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं डायरवुल्फ ये करते हैं। अब तुम सोचो इतने कम नहीं ज़्यादा है, लेकिन रुको मैं पहले कचरा साफ करने दो, मैं क्लियर समझाता सारी चीज़ें जस्ट अभी। ओके सो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको मास फार्मिंग करनी चिटिंग की तो सबसे पहले आपको आना इस हंटर केव में, इसकी लोकेशन ये रही। सो इस जगह पे आपको आ जाना है और न्यू प्लेयर्स के लिए यहाँ पे आना बहुत बढ़िया चैलेंज नहीं होता, यहाँ पे अगर आपके पास छोटा मोटा फ्लायर होगा तो फिर तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा। वैसे चल चल के भी आप देखो अब ये डाइनो के साथ है, विदाउट डाइनो आप दोनों भी कर सकते हैं और रास्ता भी मैं बता ही देता हूँ आज की वीडियो में, वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस केव के अंदर सबसे पहले आपको आना होगा और मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपके पास सिर्फ आप पैदल आ रहे हो आपके पास कोई डाइनो नहीं चलेगा, अगर डाइनो है और उसमें डायरवुल्फ नहीं तो भी चलेगा, आप रैप्टर या जो भी आपके पास उसके साथ आ सकते हो, ग्राफिक लो कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेफालतू कोई ग्राफिक ज़्यादा रख के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इनकेस अगर तुम्हारा फ़ोन बिन क्रैश मारने वाला हो तो इसलिए थोड़ा बच के रहना। बाकी फिर आपको सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन वगैरह यहाँ पे देखो मिलेंगी, ये रहा जैसे सिंपली इन्हें आपको मारना, अभी तुम लोग को दिखा दो देखो कितने ज़्यादा मिलेंगे मेरे को, ठीक है, पहले ये देखो लिटरली 200 प्लस मेरे को एक ही है, देखो इससे 276। सो आप बहुत ज़्यादा आप यहाँ से इजीली फार्म कर सकते हो और एक्चुअली मेरा सोलो का हार्वेस्टिंग रेट थोड़ा ज़्यादा है, वो क्यों, क्योंकि मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्द आ रही है हार्वेस्टिंग रेट्स कैजुअल वगैरह इन पे, बट फिलहाल मेरे को थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, मे बी तुम्हें थोड़े बहुत कम मिल सकते हैं शायद, मेरे को गारंटी नहीं है, बट आपको भी 100 प्लस 150 प्लस आपको ईजिली एक डायरवुल्फ से मारने पे मिलेगा इनको, सिर्फ इनको मारते रहो आराम से मिलेगा, और इन सांप से नहीं मिलेगा पहले बता दूँ, सांप लोगों से सिर्फ तुम्हें हाइट वगैरह ही मिलेगा, हाइट नहीं मीट वगैरह ज़्यादा, बाकी ये आपको स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स इनसे जो है आपको बहुत सारे आराम से चिटिन कराटिन मिलेंगे, कराटिन नहीं मिलता है सबसे चिटिन ही मिलता है, भर भर के तुम यहाँ से तुम लोग देख सकते हो जितने चाहो तुम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिक है जिससे आप ढेर सारी चिटिन कमा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो केवल एक मिनट में 2500 प्लस मैंने इजीली कमा लिए, और तुम वहाँ पे ट्राइक्स को मार मार के 100 भी नहीं जमा कर पाओगे, ये सिर्फ न्यू प्लेयर्स के लिए पहले ही बता दूँ, जो ग्रिफिन तक टेम करके बैठे वो इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं, तुम टाइम पास क्यों करते हो भाई आके, अगर तुम्हें सब पता रहता है क्या मिलता है तुम्हें टाइम पास करके। एनीवे सो हाँ मैं तुम लोग को यही बता देता बिना डायनो कैसे करना है, मैं इसको पहले पैसिव कर देता हूँ उन्हें मारने लग गया, ठीक है, तो सिंपली स्वॉर्ड लो या फिर तुम्हारे पास कुछ अच्छा वेपन जिससे तुम्हें मारना, सिंपली इन्हें ऐसे मारो और तुम लोग देख सकते हो इजीली तुम्हें 70-75 मिलेंगे। हल्का मेरा हार्वेस्टिंग रेट ज़्यादा है इसलिए मे बी मेरे को थोड़े ज़्यादा मिल रहे या फिर तुम्हें शायद 50-60 मिले हाथ से, बट तुम्हें बहुत अच्छे मिलेंगे और तुम्हारे पास असेंडेंट वगैरह कुछ हो तो काम ही हो जाएगा तुम्हारा। ओके बाकी उसके बाद तो सिंपली आपको ऐसे मारना है और उसके बाद आराम से 70-80 तो आराम से निकाल ही लोगे। बाकी इसी ट्रिक के मदद से आप डायरेक्शन को यहाँ पे कब से यहाँ पे ज़्यादा एक्चुअल रहते नहीं, बट शायद आज नसीब अच्छा कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो आराम से, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और जब भी तुम यहाँ आओ तो आर्टिफैक्ट भी ले ही लेना, ठीक है,
आ ही रहे हो तो भाई ले ही लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी होपफुली तुम लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है, और आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कैसे। एक सेकंड, म्यूज़िक क्यों बज रहा है? एक सेकंड, मैं सेफ जगह पे जाके तुम लोग को पहले दिखाता हूँ। रुको एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे मैंने एक मिनट के अंदर 2600 तो कमा लिए डायरूल से, और इससे 300 प्लस, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। होपफुली तुम लोग को समझ में आ चुकी होगी पूरी ट्रिक, एंड आई थिंक अभी तुम लोग को कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे चिटिंस को फार्म किया जाए, कैसे क्या वर्क करता है क्या नहीं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आई थिंक सो। बाकी और भी वेज है, बट ये वे सबसे बेटर है और न्यू प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको चिटिन वगैरह फार्म करना है तो बेस्ट वे है, तो बाकी आप देखो। बाकी न्यू प्लेयर्स सिंपली आप ऐसे रुक के ना यहाँ पे यहाँ तक आ जाओ, न्यू प्लेयर्स जो एकदम डरते हैं ना, जो न्यू है उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, यहाँ पे आके डायनो मारो, सीटिंग लो, निकलो ऑफिस से। और एक बो वगैरह रखना, डिलोफो का हंट करके असेंडेंट का बो ले लेना न्यू प्लेयर्स, ठीक है। सो कैसे आपके ऐसे एक अच्छा बो रहेगा तो फिर आप डायनो को मार पाओगे, फिर पिकैक से हार्वेस्ट करो, बस खत्म बात। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ना, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप लोग मास फार्म कर सकते हो, मास फार्मिंग कर सकते हो चिटिन की, और एक इंसेन लेवल पे, मतलब लाइक आप चिटिन को फार्म कर सकते हो। लाइक एक डेढ़ मिनट के अंदर ही मैंने 2600 प्लस कर दिया, और हाथ से भी मैंने 300-400 कर दिए केवल 10-20 सेकेंड के अंदर ही। सो ट्रिक बहुत ईजी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी, और आप जाओ लाखों 2 करोड़ जितने सैडल बनाने बनाओ। बाकी आज के लिए बस इतना है, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड मेक श्योर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि अगर तुम्हें किसी और मास फार्मिंग के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मैं वो भी बना दूंगा। और मेटल की एशियन नंबर की ये भी ट्रिक्स बहुत जल्दी आ रही है, तो चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल सब कर दें, ठीक है। बाय बाय।